सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी निहारिका पाठ्य पुस्तक से पाठ 11, शीर्षक है सुभागी, पाठ का अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। बच्चे अपने माता पिता के क्या होते हैं, सहारा होते हैं, है ना, बुढ़ापा के सहारा होते हैं, वैसे बोलते हैं ना, तो आश्रय का अर्थ होता है सहारा। आवारा का अर्थात होता है निकम्मा, जो बिना काम का उधर भटकता रहता है ना, उसे क्या कहेंगे हम, निकम्मा। तो आवारा का अर्थ क्या हुआ, निकम्मा, बिना काम का। विपदा, विपदा का अर्थ होता है विपत्ति, कोई मुसीबत, ठीक है। मोह, ढिठाई अर्थात ढीलापन, है ना। जैसे हम बच्चे, माता पिता हमारे साथ में क्या करते हैं, थोड़ा कड़ाई करते हैं ना, शक्ति बरसते हैं उनके पढ़ने लिखने के लिए, चाहे उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए जो उन्हें कड़ाई करनी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों के प्रेम में ढीलापन छोड़ते हैं, है ना, वो उनकी गलतियों को छुपाते हैं, तो वही क्या होता है, ढीलापन देना। समझने का मतलब है, मिठाई का अर्थ क्या होता है, ढीलापन। क्षण, क्षण का अर्थ होता है बहुत अल्प समय, अल्प मतलब कम समय, है ना, बहुत कम समय। मंगलमय अर्थात कल्याणमय। आग्रह अर्थात निवेदन, किसी से हम कोई कार्य करने के लिए क्या करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, कोई बात मारने के लिए हो सकता है ना, तो आग्रह का क्या होता है, निवेदन। वाहवाही अर्थात तारीफ, कोई अच्छा हम कार्य करते हैं तो हमारी, हमें शाबाशी मिलती है, हमारी वाहवाही होती है ना, हमारी कोई तारीफ करता है, मतलब प्रशंसा करना। निवाला, निवाला का अर्थ क्या होता है, रोटी का टुकड़ा। लक्ष्य अर्थात उद्देश्य, मतलब हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, कि हम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने, है ना, कि हमारा भी लक्ष्य क्या है, अच्छी पढ़ाई करना, क्लास में अच्छे नंबर प्राप्त करना। तो लक्ष्य का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य। चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। पाठ का विषय है, हमारे समाज में लड़कियों को पराया धन समझा जाता है, लेकिन आज के इस समाज में लड़कियां भी लड़कों से कुछ कम नहीं हैं, वे भी लड़कों की तरह माँ बाप की सेवा करने में कुछ कम नहीं है। प्रस्तुत अध्याय में लेखक ने यही बताया है। तो जो आज का पाठ का विषय है, इसमें हमें लेखक ने यही बताया है कि हमारे समाज में लड़कियों को क्या समझा जाता है, पराया धन। पराया धन मतलब दूसरों का धन, है ना, क्योंकि विवाह पश्चात वो दूसरे घर में चली जाती हैं, है ना, इसलिए उन्हें क्या समझा जाता है, पराया धन। लेकिन अभी के समाज में, अभी का जो टाइम है, इसमें लड़कियां भी लड़कों से आगे बढ़कर चलती हैं, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे दूसरे और किसी, है ना। इसी प्रकार से लड़कों से भी ज़्यादा सेवा अपने माता पिता की लड़कियां करती हैं, यही बात हमें इस अध्याय के माध्यम से लेखक ने बताया है। चलिए इस अध्याय को समझते हैं। तुलसी माँ तो अपनी लड़की सुभागी से बहुत क्या प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह घर के काम में चतुर और खेती बाड़ी के काम में निपुण थी। उसका भाई रामू जो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कामचोर और आवारा था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की शादी कर दी। थोड़े दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई। सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। सुभागी के दुख की तो सीमा ही ना थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ लगने लगा था। कुछ साल बीते, लोग तुलसी मातों पर दबाव डालने लगे कि लड़की की दूसरी शादी कर दो, आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता है, तो क्यों सोच विचार करते हो। तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी माने, वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहार ने सुभागी को समझा कर कहा, बेटी हम तेरे ही भले के लिए कहते हैं, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी।
सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम आप कहो वह सिर आंखों के बल करूँगी, मगर शादी के लिए मुझसे ना कहिए। तो आज के अध्याय में लेखक ने एक कथा के माध्यम से हमें समाज में लड़कियों को पराया धन समझा जाता है और लड़कियां भी लड़कों से कैसे आगे है यही बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ तुलसी महतो जो है वह उनकी एक लड़की है और एक लड़का है ना। लड़के का नाम क्या है? रामू, और लड़की का नाम सुभागी, और वे दोनों से बहुत ही प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे जो तुलसी महतो उनके पिता हैं सुभागी से बहुत प्यार करते हैं, और छोटी उम्र में ही वह घर के काम में निपुण हो गई थी, अर्थात खेती बाड़ी का भी काम, घर का काम, सभी तरह के काम उसे अच्छे से आता था, ठीक है। लेकिन उसका जो भाई था वह उससे उम्र में बड़ा था, लेकिन बहुत ही कामचोर था और आवारा था। कामचोर, उसे कोई भी काम करने में मन नहीं लगता था और इधर उधर दिन भर भटकते रहता था। तुलसी जो महतो थे उन्होंने दोनों की शादी कर दी, रामू की भी शादी कर दी और सुभागी की भी शादी कर दी। लेकिन एक दिन बहुत ही मुसीबत आ जाता है, विपदा आ जाती है। क्या विपदा आती है कि सुभागी चूँकि छोटी उम्र में ही शादी कर दी थी और वह विधवा हो जाती। कहने का मतलब, विधवा किसे कहते हैं? जिसका पति मर जाता है ना, तो वह उसे विधवा कहते हैं। तो उसकी जो बेटी थी सुभागी वह विधवा हो जाती है और उसकी दुख की सीमा नहीं रहती। कहने का मतलब उसे बहुत ही दुख होता है और अब उसका जीवन काटना मुश्किल हो जाता है, पहाड़ जैसा लगने लग जाता है। और कुछ साल ऐसे बीत जाता है और तुलसी महतो जो है सुभागी के पिता, उस पर लोगों का दबाव भी पड़ने लगता है कि तुम सुभागी का दूसरा विवाह कर दो। और हरिहार जो सुभागी को भी समझाते हैं कि बेटी हम तेरे भले के लिए कहते हैं कि माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, इनका कब तक भरोसा रहेगा, तुम शादी कर लो, है ना, कब तक बैठी रहोगी। इस प्रकार से दूसरे लोग भी सुभागी को समझाते हैं, क्योंकि जो दूसरे लोग थे वो तुलसी महतो को समझाते थे, लेकिन तुलसी महतो तो तैयार था अपनी बेटी का शादी करने के लिए, लेकिन जो सुभागी थी वह दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, अपने माता पिता की सेवा करना चाहती थी। तो वह तुलसी महतो कहते हैं कि मैं तो तैयार हूँ लेकिन सुभागी माने तब ना। तभी हरियार ने भी तुलसी को समझाते हैं कि तुम शादी कर लो, कब तक तुम बैठी रहोगी, तुम्हारे माँ बाप का क्या आसरा है, अब बूढ़े हो गए हैं ना, कब वो मर जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तुम शादी कर लो। और सुभागी ने सिर झुका कर कहा, तुम्हारी बात समझ रही हूँ लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं करता है, मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ, आप जो कहेंगे मैं वह करूँगी लेकिन शादी नहीं करूँगी। तो इस प्रकार से सुभागी शादी के लिए इनकार कर देती है। आगे है, उज्जड़ रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूँगी तो इस भरोसे ना रहना। सुभागी ने गर्व से भरे स्वर में कहा, मैंने आपका आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। अब सुभागी उनके साथ ही रहने लगी। तो जब लोग उसे समझाने लगे विवाह करने के लिए तो सुभागी नहीं मानती थी। तो उसका भाई जो था, बड़ा भाई, वह कहता है उसी टाइम उसके सामने कि तुम ऐसा मत सोचना कि भाई कमाएगा और तुम्हें बैठा कर खिलाएगा। तो सुभागी कहती है कि ऐसा नहीं होगा कि तुम कमाओगे और मैं मौज करूँगी, है ना, ऐसा दिन कभी ना आए, इस प्रकार से सुभागी कहती है और साथ में रहने लग जाती है। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करने चली जाती, दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती, रात को कभी माँ के सिर में तेल लगाती, कभी उसकी देह दबाती, जहाँ तक उसका बस चलता माँ बाप को कोई काम ना करने देती, हाँ भाई को ना रोकती, सोचती ये तो जवान आदमी है, ये काम ना करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। तो इस प्रकार से सुभागी रामू और अपने माता पिता के साथ ही रहने लग गई। लेकिन वह सुबह होने से पहले ही उठ जाती थी, और गांव घर में बहुत सारे काम होते हैं, खेती बाड़ी का काम होता है, घर में जानवर होते हैं तो उन्हें भी खोलना पड़ता है, थोड़ी दूर तक हाँकना पड़ता है, गोबर जो जहाँ गाय बांधते हैं वहाँ पे
गोबर होता है उसको उठाना पड़ता है, साफ सफाई करनी पड़ती है, घर के बर्तन चौका बर्तन मतलब खाना पीना सारा बनाती थी, है ना। तो इस प्रकार से वह सारा काम करके जो गोबर होता था, गांव घर में गैस पे खाना नहीं बनता है ना, लकड़ियों या तो फिर गोबर जो होता है उसको जो थापते हैं, जो गंडे बनते हैं उससे खाना बनाया जाता है, तो गोबर भी थापने का काम करती थी। ये सारा काम करने के बाद में फिर दोपहर में जल्दी जल्दी आकर क्या करती थी, खाना बनाती थी और खेत में भी जाती थी काम करने के लिए, और वहाँ से आकर दोपहर में जल्दी जल्दी सबके लिए भी खाना बनाती थी। तो इस प्रकार से वह सुबह होने से पहले उठ जाती थी और घर का सारा चौका बर्तन खेत बाड़ी सब उसने संभाल लिया था, और अपने माता पिता को भी काम नहीं करने देती थी। लेकिन जो उसका बड़ा भाई रामू था उसे नहीं रोकती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि यह तो जवान आदमी है, अगर यह काम नहीं करेगा, घर का आदमी अगर काम नहीं करेगा तो फिर गृहस्थी कैसे चलेगी, है ना। आगे देखिए, मगर रामू को यह बुरा लगता, अम्मा और दादा को दिन का तक नहीं उठाने देती, यहाँ तक कि एक दिन वह ऑफिस से बाहर हो गए। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो, तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी, दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है। तो इस प्रकार से जब अपने माता पिता को काम करने नहीं देती थी सुभागी, और भाई को काम करने के लिए मना नहीं करती थी, तो भाई को बुरा लगता था, है ना। और वह कह रहे हैं कि इस प्रकार से तुम अपने माता पिता को अलग लेकर रहो तब मैं जानूं कि तुम मेहनती हो, क्योंकि दूसरों के बल पर वाहवाही लूटना कोई बड़ी बात नहीं है। बहादुर हुआ है जो अपने बल पर काम करे, सुभागी ने तो कुछ जवाब ना दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। माँ तो उसे ना रहा गया, बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो। रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े, मैं तो उसको कह रहा हूँ, तुलसी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, मेरे पीछे जो चाहे करना, बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसके गले में बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं रुका जाता है। तो इस प्रकार से जब भाई दुखी बहन को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि नहीं सौंपे तो माँ बाप को अलग लेके रहो, और दूसरों की कमाई पे वाहवाही लूटना कोई बड़ी बात नहीं है, और यह बात सुनकर भी सुभागी कोई जवाब नहीं देती है कि बात कहीं बढ़ ना जाए, लड़ाई झगड़ा और आगे ना बढ़ जाए। तो लेकिन उसके जो पिता थे महतो, वह सुन रहे थे इस बात को और उसे नहीं रहा जाता है, वे बीच में ही उसे रोकते हैं और कहते हैं कि क्यों इस गरीबन से लड़ते हो, है ना। गरीबन क्यों कहते हैं, क्योंकि वह बेचारी पहले से ही दुखी है, शादी हुआ था, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, ससुराल भी नहीं में भी नहीं है, अपने माता पिता के पास में, और अपने बल पे कमाई कर खाती है ना, घर का काम करती है, खेती बाड़ी का काम करती है, चौका बर्तन करती है, माता पिता की सेवा करती है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम उस गरीबन से क्यों लड़ते हो। तभी रामू पास आकर बोलता है कि तुम क्यों बीच में कूद रहे हो, ना अपने पिताजी को इस तरह से जवाब दे रहा है। तो तुलसी जो है वह कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम इसे कुछ नहीं कर सकते हो, जब मैं मर जाऊँ तो मेरे पीछे तुमको जो करना हो वो करना। तो रामू जो कहता है कि अगर आप तुमको बेटी इतनी ही प्यारी है तो गले में बांध के रखो, मुझसे तो नहीं रहा जाएगा, है ना। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा, मैं कल गांव के आदमी को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा, तुम चाहे अलग हो जाओ। आप सुभागी नहीं अलग होगी। रात को तुलसी लेटे तो उन्हें अपनी पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपये कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपये रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च ना की, पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड, वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। तो यहाँ पे जब रामू उसे अपनी बहन को इस तरह से प्रताड़ित करता है और उसे भला बुरा कहता है, तो तुलसी महतो जो था उसके पिता उसे नहीं रहा जाता है और कहता है कि ठीक है, तुमको अगर यही चाहिए तो कल मैं गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ, आदमियों को बुलाता हूँ और तुम अलग हो जाओ, लेकिन तुलसी सुभागी अलग नहीं होगी। और जब रात होती है तो तुलसी खाट में लेटे लेटे पुरानी बातों
बातों को याद करने लग जाता है कि जब रामू पैदा हुआ था तो बेटे की खुशी में जलसा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, है ना, लेकिन फिर भी उसने कर्जा लिया और कर्ज लेकर जलसा किया। जबकि उसकी पुत्री जो थी वह जब जन्म लेती है तो घर में पैसे रहते हुए भी उसने उसे क्या समझा था, पापों का दंड समझा था। इतना वह रथ इतना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे रामू के लिए पैसे नहीं थे और कर्ज मांगकर उसके लिए जलसा किया गया, उसे यहाँ पे याद कर रहा है महतो कि यह बहुत ही जो रत्न रूप में था वह कठोर निकला और जिसे मैंने दंड समझा था वही मंगलमय है ना। मंगलमय किसे समझा, सुभागी को। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को इकट्ठा करके कहा, पंचो अब रामू का और मेरा एक घर में निर्वाह नहीं होता, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊँ, रात दिन की बहस अच्छी नहीं है। फिर सुबह होता है, दूसरे दिन गांव में क्या होता है, पंचायती होती है ना, सरपंच आते हैं वहाँ पे, गांव के जो लोग होते हैं वो बैठते हैं और दो चार लोग गांव के प्रशंसनीय व्यक्ति होते हैं उनके बीच में फैसला होता है। तो इसी प्रकार से वे गांव के आदमियों को इकट्ठा करता है और वहाँ पंच बैठती है। तो रामू तो उनके जो पिता हैं महतो, वे कहते हैं कि पंचो अब मेरा बेटा रामू जो है उसका और मेरा एक घर में निर्वाह, मतलब एक घर में हम नहीं रह सकते हैं, आप लोग इंसाफ से जो मुझे दे देंगे मैं उसे लेकर अलग हो जाऊंगा, रात दिन की जो बहस होती है उससे अच्छा है कि अलग होकर रहना। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे, उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी तुम अपने माँ बाप से क्यों अलग रहना चाहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम, रामू ने मिठाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजर ना हो तो अलग हो ही जाना अच्छा है। तब इस प्रकार से जब महतो पंचों को कहते हैं कि मुझे अलग कर दो, जो जो कुछ भी आप लोग खुशी से दे देंगे मैं उसे लेकर अलग हो जाऊंगा, तो जो गांव के मुखिया थे, मुखिया का नाम क्या है, बाबू सज्जन सिंह, और वे बड़े ही सज्जन पुरुष थे, है ना, और वे रामू से पूछते हैं कि क्यों तुम एक घर में माता पिता के साथ में क्यों नहीं रहना चाहते, तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने माता पिता की सेवा करो, अपनी जो दुखी बहन है उसकी उसका साथ दो, है ना, और तुम इस तरह से एक घर में साथ में ना रहने छोड़कर तुम अलग रहना चाहते क्यों, आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो बीच में ही जब तक सज्जन सिंह बोल ही रहे थे कि रिठाई करते हुए बीच में बोल पड़ता है कि रात दिन की बहस से अच्छा है कि अलग हो जाना, है ना। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन को उन्होंने आगे है यह कहता हुआ रामू वहां से चलता पड़ा। तुलसी देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज, भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था, जहां रहता वहीं कमाता खाता, भगवान ऐसा बेटा बैरी को भी ना दे, लड़के से लड़की बली जो कुलवंती होए। शंसा सुभागी आकर बोली, दादा यह सब बंटवारा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते। तुलसी ने कहा, बेटी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। तो यहाँ पे जब इस तरह से रामू पंचों के सामने यह बोलता हुआ निकल गया कि जब एक साथ गुजारा नहीं हो सकता तो इससे अच्छा है कि अलग ही हो जाए, तो वहाँ पे तुलसी जो है वह पंचों को दिखाता है कि देखो इसका मिजाज किस तरह का है ना, बहुत ही बदमाश है, बहुत ही अहंकारी है, और इस तरह से मेरी बेटी को भगवान ने दुख दे दिया है, नहीं तो मैं खेती बाड़ी लेकर क्या करता, जहाँ ये रखता मैं वहीं रहता है ना। और वो कहते हैं कि भगवान ऐसा बेटा बैरी को भी ना दे, बैरी मतलब दुश्मन को भी नहीं दे, लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए, मतलब लड़का तो है, लड़के के जन्म में उसने जश्न भी किया था, लेकिन जब लड़का ही कुल की मर्यादा खो दे तो इससे अच्छा है कि लड़की ही भली हो, जो कुल की लाज रखती है, अपने घर की लाज रखती है ना। सहसा तभी सुभागी बीच में आकर कहती है कि दादा यह सब बंटवारा मेरे ही कारण हो रहा है ना, कि मुझे ही अलग कर दो। तो तुलसी कहता है कि बेटी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, है ना, चाहे यह दुनिया ही छूट।
जाए लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ, लड़की नहीं देवी है। दो मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी करती है। सज्जन सिंह तो कहते यह इस जन्म की देवी है, मगर शायद भक्तों को यह सुख बहुत दिन भोगना ना लिखा था। तो इस प्रकार से जब तुलसी अपनी बेटी को नहीं छोड़ना चाहता है, नहीं अलग करना चाहते हैं, तभी गांव के लोग, गांव के जो लोग हैं, उसने देखा था कि सुभागी कितनी मेहनती है। सुबह होते ही, सुबह होने से पहले उठ जाती है, घर के सारे काम करती है, चौका बर्तन करती है, खेती का भी काम करती है, अपने माता पिता की भी सेवा करती है और अपने माँ बाप को कुछ काम भी नहीं करने देती है। तो वही गांव वाले उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि यह तो दो दो मर्दों का काम करती है, मतलब दो आदमी जो काम करते हैं वह बेचारी अकेले करती है और साथ में माँ की सेवा करती है। सज्जन सिंह तो कहते हैं कि यह इस जन्म की क्या है, देवी है, लेकिन यह सुख जो है महतो को ज्यादा दिन तक गवारा नहीं था। आगे देखिए, 7-8 दिन से महतो को बहुत तेज बुखार हुआ है। लक्ष्मी पास बैठी रो रही है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाए तब तक उनके हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो आज दादा ना जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से बुखार नहीं उतरा। और जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो हालांकि सुभागी बहुत मेहनती थी, लोग उसकी तारीफ करते थे, देवी मानते थे, लेकिन यह सब उसे ज़्यादा दिन तक गवारा नहीं था। 7-8 दिन से ही वह बहुत ही तेज बुखार से तपरा रहा था और उसकी जो पत्नी थी, लक्ष्मी नाम था ना, वह पास में बैठकर रो रही है। और अभी एक क्षण पहले, कुछ समय पहले ही महतो ने पानी मांगा था और वह पानी जब तक लाए तब तक उसके हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। और यह दशा देखकर सुभागी दौड़ी दौड़ी उसके भाई के घर पे जाती है और कहती है कि दादा, भैया चलो घर पे चलो दादा, जो अपने पिता को कहकर पुकारती है ना कि दादा ना जाने कैसे हुए जा रहे हैं, 7 दिन से बुखार नहीं उतर रहे हैं। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूँ, जब तक अच्छे थे तब तक तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। तो यहाँ पे जब सुभागी अपने भाई को बुलाने जाती है तो वह चारपाई पर लेटा हुआ है, जो खाट, चारपाई का मतलब क्या होता है, खाट। तो खाट के ऊपर लेटे लेटे कहता है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई मैं वैद्य नहीं हूँ जो उसे देखने चले जाऊँगा, है ना, जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम गले का हार बनी हुई थी। यहाँ मुहावरा दिया हुआ है, गले का हार बना मतलब सबसे उसकी प्यारी बनी हुई थी, और जब मरने लग गए तो मुझे बुलाने आई हो। सुभागी ने फिर उससे कुछ ना कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई और भाई के पास जाने के बाद भी वह नहीं आया तो वहाँ से वह सीधे सज्जन सिंह के पास चली जाती है। उधर सज्जन सिंह ने जो ही महतो की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। वहाँ पहुँचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी, नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी, समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। सज्जन नेत्र होकर बोले, अब कैसी तबीयत है? महतो जैसे नींद से जाकर बोले, बहुत अच्छी है भैया, अब तो चलने की बेला है, सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंपे चाहता हूँ। तो इस प्रकार से जब सुभागी सज्जन सिंह के साथ जाती है, उनके पास पहुँचती है, तो उसे अपना सारा हाल सुनाती है और तुरंत वह भागे भागे महतो की दशा देखने के लिए चले आते हैं। और उसकी खराब दशा को देखकर और नाड़ी को देखकर समझ जाते हैं कि यह अब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे, बस कुछ ही पल के मेहमान हैं। और उनके सज्जन नेत्र भींगी नेत्रों से, है ना, वह पूछते हैं, जानते तो हैं कि अब ये बचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वह पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है। तो महतो कहता है कि थोड़ी नींद में जगे हुए हैं, सोए हुए थे, तो नींद से जगते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छी है भैया, अब तो मेरी मरने की बेला है, अब तो मैं जा रहा हूँ और अपनी बेटी तुम्हें सौंपे जाता हूँ, क्योंकि तुम ही इसके पिता हो, अब तुम ही इसका ख्याल रखना। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया मत तो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे, सुभागी को तो मैं हमेशा अपनी बेटी समझा है और मैं जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझता रहूँगा, तुम निश्चिंत रहो, कुछ और इच्छा हो तो वह भी कह दो। और इस प्रकार से सज्जन सिंह रोते हुए कहते हैं कि तुम मत घबराओ भैया, मैं हमेशा सुभागी को
अपनी बेटी समझता था और समझता रहूँगा और मैं जब तक जिंदा रहूँगा ऐसा ही समझता रहूँगा। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, कुछ और आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ। माता ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन श्री राम को बुलाकर लाता हूँ, उससे जो भूल चुक हो क्षमा कर दो। माता, नहीं भैया, उस पापी का मुँह नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गाँव भर ने समझाया पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी ना हुआ। कहा, जिस पिता ने मरने समय मेरा मुंह देखना भी स्वीकार ना किया हो, मेरा ना पिता है ना मैं उसका बेटा हूँ। और इस प्रकार से सज्जन सिंह कहते हैं कि कोई और इच्छा हो तो बताओ। तो महतो विनीत नेत्रों से कहते हुए देख कर कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको भगवान सदा सुखी रखे। और उसी वक्त लगता है कि अब महतो जीवित नहीं रहेंगे, तो सज्जन सिंह कहते हैं कि मैं रामू को बुला के लाता हूँ। और तभी उसके पिता उसे मना कर देते हैं, कहते हैं कि मैं उस पापी का मुंह भी नहीं देखना चाहता हूँ। और इस प्रकार से फिर उसकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे गोदान की तैयारी होने लग जाती है। रामू को गांव भर वाले सभी समझाते हैं कि अब तुम उसकी अपने पिता के पास जाओ और उसका क्रिया करो। लेकिन रामू तैयार नहीं होता है, कहता है कि जो पिता मेरा मरते समय मुंह नहीं देखना चाहता है वह मेरा पिता नहीं है, ना ही मैं उसका बेटा हूँ। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की, सुभागी ने सारी व्यवस्था की। थोड़े से दिनों में सुभागी ने ना जाने कैसे रुपये जमा कर लिए थे। जब तेरहवीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। तेरहवीं के दिन सारे गांव के लोगों का भोज हुआ, चारों तरफ वाहवाही मच गई। और इस प्रकार से लक्ष्मी जो उनकी पत्नी थी उन्होंने दाह क्रियाक्रम किया। और सुभागी जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके लिए क्रियाकर्म के लिए सामान की व्यवस्था की जरूरत पड़ती है और भोज आदि कराया जाता है, तो उसके लिए इसके पास इतना धन नहीं था, है ना। लेकिन फिर भी वह रोज काम करती थी और उसी काम के दौरान वह थोड़े थोड़े पैसे जमा किया करती थी। तो इस यहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था सारी कौन कर रहा है? सुभागी कर रही। गाँव वाले देख कर एकदम अचंभे हुए रह जाते हैं। जब तेरहवीं का दिन आता है तो सबकी गाँव वालों की आँखें खुली रह जाती कि आखिर इतनी व्यवस्था कैसे हुआ, सुभागी ने कैसे किया, है ना। कहने का मतलब है कि व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि चारों तरफ उसकी वाहवाही हो रही थी। पिछले बार का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थककर सो गई, केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपये खर्च हुए? सज्जन, वह पूछ कर क्या करोगी बेटी? सुभागी, कुछ नहीं, यूं ही। सज्जन, कोई 3,000 रुपये होंगे। सुभागी ने सुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। पति के देहांत के बाद ही लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौकी में जाती मगर निवाला गले के नीचे नहीं उतरता। तो इस प्रकार से जब गांव में तेरहवीं के दिन सारे गांव वाले लोग आकर भोज खाते हैं और उसकी वाहवाही करते हैं, तभी सारे लोगों के जाने के बाद में काम घर में जो पसरा हुआ काम है वह सुभागी करने लग जाती है, सामाने सही जगह पर रखने लग जाती है। तभी सज्जन सिंह आते हैं, कहते हैं कि बेटी अब तुम थक गई होगी, तुम भी आराम कर लो। तो वह कहती है कि नहीं दादा, अभी मैं नहीं थकी हूँ, आप मुझे ये बताइए कि कुल कितने रुपए खर्च हुए। तो सज्जन सिंह कहते हैं कि पूछकर क्या करोगी बेटी, लेकिन सुभागी कहती है कि नहीं, आप बताइए। तो सज्जन सिंह उसकी बात को सुनकर कहते हैं कि कोई 3,000 रुपये हुए, है ना। और तभी सुभागी सुकचाती है कुछ और बोलती है कि मैं इसकी देनदार हूँ, मतलब मैं आपकी कर्जदार हूँ, मैं इन पैसों को दूंगी, है ना। और जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके लक्ष्मी जो है वह भी उसका भी दाना पानी छूट जाता है, मतलब वह भी खाना पीना छोड़ देती है। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती मगर निवाला गले के नीचे नहीं उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा ना हुआ कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो, अब उस नियम को कैसे तोड़े। तो जब पति की मृत्यु हो जाती है तो जो लक्ष्मी है वह खाना पीना बिल्कुल उसके गले से नहीं उतर रहा है ना। और शादी किए हुए 50 साल हो गए और
प्रकार से 50 सालों से पहले वह पति को खिलाती थी, फिर वह खुद खाती थी। आज वह बिना पति को खिलाए कैसे खाए यह सोचकर बहुत ही उदास रहती है। आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्दी घाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे, ठाकुर साहब के रुपये चुकाने के लिए दिलोजान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती, उनके पास बैठे तो बाहर कौन काम करे। माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका अंतिम समय भी आ पहुँचा है। महतो को भी तो यही बुखार था। तो इस प्रकार से जब लक्ष्मी खाना पीना छोड़ देती है तो वह भी बीमार पड़ जाती है, और माँ की ऐसी हालत देखकर वह समझ जाती है कि अब यह भी इसका भी अंतिम समय है, यह भी मरने वाली है, क्योंकि जो उनके दादा थे वह भी ऐसे ही उनको खांसी और बुखार हुआ था, है ना। और वहाँ पैसे कम है, अगर वो घर में रहती है तो माँ की कमाएगा कौन, कर्जा कौन चुकाएगा, और बाहर जाती तो माँ की सेवा कौन करेगा। तो इस प्रकार से वो असमंजस में पड़ जाती है। गांव में और किसी फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता सज्जन सी दोनों भक्त आते। लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि 15वें दिन भी वह संसार से विदा ले गई। सुभागी की उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं तर गई, मेरा क्रिया कर्म तुम ही करना, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख से ही जन्म लेना। और इस प्रकार से गांव में कोई भी देखभाल करने के लिए नहीं आता था, लेकिन सज्जन सिंह सुभागी की हाल चाल पूछने और लक्ष्मी की दशा देखने के लिए सुबह शाम आते थे। और 15वें दिन होते होते लक्ष्मी दुनिया से विदा ले लेती है, मतलब वह भी मर जाती है, और असमर्थ वक्त आशीर्वाद देकर जाती है कि तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं तर गई, मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि अगली जन्म में भी तुम मेरी ही कोख से पैदा हो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपये चुकाना। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा। उसकी कार्य शक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को आटा पीसती। तीसवें दिन 300 रुपये लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुँच जाती। इसमें कभी नागा ना पड़ता। तो जब उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है और माता की मृत्यु हो जाती है तो वह दिन रात मेहनत करने लग जाती है, और 3 साल तक वह दिन को दिन और रात को रात नहीं समझती है, और लोग उसकी काम को देखकर, उसकी शक्ति को और हिम्मत को देखकर असमंजस में पड़ जाते हैं, है ना। और खेती बाड़ी का काम करने के बाद में वह क्या करती थी, आटा भी पीसती थी। और 30वें दिन होते होते 300 रुपये लेकर सज्जन सिंह के पास में पहुंच जाती थी। कहने का मतलब है कि उसने उधार जो पैसे लिए थे, और महीना 30 दिन में एक महीना होता है ना, तो एक महीना होते होते 30वें दिन वह 300 रुपये ले जाकर सज्जन सिंह को